नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जिसका अब दूसरा नाम मजबूती बन चुका है, जहां ये तक कहा जाता है कि जूता बाटा का और लोहा टाटा का वाकई काफ़ी मजबूत होता है। और इसका रीज़न यही है कि मल्टीपल क्रैश टेस्ट के साथ साथ इन कार्स के रियल लाइफ एक्सीडेंट ने भी ये बात दिखाई है कि टाटा की कार्स की मजबूती का कोई सानी नहीं है। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी, जो देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, भले ही मारुति की तरफ से एक या दो कार्स सेफ हैं जैसे एस्क्रॉस या ब्रेजा, पर मोस्टली एंड सैडली जो बजट हाईएस्ट सेलिंग कार है उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसमें बलेनो का भी नाम शामिल है। तो आज इन दो गाड़ियों का आपस में नहीं बल्कि एक दूसरी बड़ी और सेफ एसयूवी से एक्सीडेंट देखने को मिला है। ये एक्सीडेंट मिस्टर ईशान ने मेरे ईमेल पर शेयर किया था। आप भी ईमेल, इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल्स भेज सकते हैं। ये एक्सीडेंट चंडीगढ़ से रिपोर्ट किया गया है, जहां तीन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी बिल्ड क्वालिटी का सच सिंगल फ्रेम की इस पिक्चर से साफ पता लग जाता है। यहां सबसे आगे टाटा टियागो चल रही थी, उसके पीछे पुरानी टोयोटा फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर के पीछे मारुति सुजुकी बलेनो। यहां सामने अचानक एक पर्सन के आने की वजह से टियागो को ब्रेक अप्लाई करने पड़े और स्लो स्पीड में टाटा टियागो को पीछे से टियागो से काफी बड़ी एसयूवी फॉर्च्यूनर ने हिट किया, पर टाटा टियागो ने डैमेज को काफी अच्छे से लिया और कोई मेजर डैमेजेस टियागो में देखने को नहीं मिलती है। साथ ही फॉर्च्यूनर दिखाया कि उसका बम्पर और बोनट भी काफी मजबूत है और फॉर्च्यूनर के पीछे अनफॉर्चुनेटली यहां मारुति सुजुकी बलेनो थी, जो इन तीन कार्स में सबसे अनसेफ कार है और बिल्ड क्वालिटी का सच इस स्लो स्पीड एक्सीडेंट में बलेनो साफ दिखाती है, जहां स्लो स्पीड पर फॉर्च्यूनर को पीछे से हिट करने के बाद बलेनो का पूरा बोनट मुड़ गया। तो ये स्लो स्पीड एक्सीडेंट इन तीनों कार्स की बिल्ड क्वालिटी का सच साफ दिखाता है, जहां ये समझना जरूरी है गाड़ी सस्ती हो या महंगी, बड़ी हो या छोटी, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस गाड़ी सेफ होनी चाहिए। ये एक्सटर्नल डैमेजेस मैटर नहीं करती हैं, पर जब एक्सीडेंट मेजर होता है तो काफ़ी मेजर इम्पैक्ट अनसेफ कार्स में अंदर तक पहुंचता है, जिस वजह से पैसेंजर्स को मेजर इंजरीज आ सकती हैं और इसी बेसिस पर इन कार्स को रेटिंग दी जाती है और ऐसे रियल लाइफ एक्सीडेंट भी रेटिंग को जस्टिफाई करते हैं। सो प्लीज़ हमेशा एक सेफ कार चुनें, ताकि कभी अनफॉर्चुनेटली अगर एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको सोचना ना पड़े कि काश एक सेफ कार ली होती। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।